हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको सिखाएंगे कि सिंपल से जो गला बना रहता है उसमें अक्सर लोग दिक्कत आ जाती है, गला बना नहीं पाते हैं। तो उस तरह के हम गले बनाने की टेक्निक बताएंगे और आसान तरीके से कटिंग भी बताएंगे। तो सबसे पहले इस तरह का जो कपड़ा होगा आपके पास, उसमें आपको बीच में सेंटर से आपको उसको फोल्ड करना है। यहाँ पे तो उसको हम सेंटर से आपका फोल्ड करके दिखाएंगे आपको इस तरह से। ये सेंटर होता है इसका, इसको यहाँ से फोल्ड कर लें और यहाँ से फोल्ड कर लें और उसके बाद अच्छे से आयरन कर लें। तो सबसे पहले ये आपका गला है और हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया। बीचों बीच से जो गला बना था उसको अच्छे से सेंटर से उसको फोल्ड कर लिया है। उसके बाद में हम निशान लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका आगे का गला है 7 इंच और पीछे का गला है 8 इंच। तो अक्सर लोगों को ब्राड कम चाहिए तो उस हिसाब से लोग बनवाते हैं गला। तो इसका हम ब्राड रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच का गला थोड़ा अंदर से बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से थोड़ा आप निशान लगा लें यहाँ पे। तो आप इसी निशान पे जब गला बनाएंगे तो आपका गला भी परफेक्ट आएगा और गले की फैलान भी ज़्यादा नहीं होगी, तो गला आपका कंधी उतरेगी भी नहीं। तो हमने इस पर सबसे पहले निशान लगाना है अब यहाँ से, जितनी इसकी लंबाई हो, क्योंकि इसकी लंबाई हमको रखनी है 43 इंच। तो 43.5 इंच पे हम निशान यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद में 2.5 इंच का निशान एक हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि 2.5 इंच का निशान ये हो गया तो उसमें तुरपाई वाले कुर्ता बन रहा है तो उसकी फोल्ड अच्छी आएगी। तो हम यहाँ पर 2 निशान लगा लेंगे। ये 2 निशान मेरे हो गए। अब आ रहे हैं हम यहाँ पर इसकी शोल्डर पर। देखिए ये शोल्डर है ओके, तो इसमें हम शोल्डर के निशान लगाएंगे 6 इंच पर। उसके बाद में एक निशान यहाँ पर नीचे लगाएंगे, आर्मोर का जो निशान कटता है उसको निशान लगाएंगे 6 इंच पर, यहाँ पर भी लगाएंगे। और उसके बाद में कमर का जो निशान होगा वो 14.5 इंच पर आएगा आपका, और जो हिप का होता है निशान वो 21 इंच पर आएगा। तो आपको ये 3 निशान जो है वो ध्यान रखने हैं, एक आएगा 6 इंच पर और एक आएगा 14.5 इंच पर और एक आएगा 21 इंच पर। तो तीनों निशानों पर आप लाइन खींच लें। और एक ये 6 इंच वाली जो हमने निशान लगाई थी इस पर भी लाइन खींच लें। अब आपका जितना भी चेस्ट हो तो उस हिसाब से आप निशान लगा लें। और ध्यान रखें अगर जो बदन की नाप हो तो उस पर 3 इंच आप एक्स्ट्रा लूजिंग डालें। तो 39 इंच चेस्ट है इनका, तो 3 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग पड़ेगी, हो जाएगा आपका 42 इंच चेस्ट। और कमर पर आपको 2 इंच लूजिंग देनी है, जो कि 34 इंच कमर है, तो 2 इंच लूजिंग हम देंगे तो बनेगा 36 इंच। और हिप है 43 इंच, तो 1 इंच उस पर हिप पे लूजिंग देनी है, वो हो जाएगी 44 इंच। तो ये सारे निशान हमने लगा लिए हैं। उसके बाद में आपको सीधे स्केल से यहाँ पे शेप देना है। ये बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है कुर्ता। आप ये ट्रिक अपना लेंगे तो आपके कुर्ते बहुत अच्छे बनेंगे, फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। उसके बाद में एक चीज़ ध्यान दें, जितनी भी हिप हो उससे 1 इंच आपका नीचे का दामन ज़्यादा होगा। तो हमने 11.5 पर यहाँ पर निशान लगा लिया है और यहाँ पर निशान था 11 इंच पर, तो 1 इंच आपका दामन एक्स्ट्रा जाएगा। तो पहनने पर उसका लुक थोड़ा अलग ही आएगा। तो एक निशान यहाँ पर लगाने पूरा सीधा खींच लें। और ये तुरपाई वाला बन रहा है तो आप इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखें यहाँ से और यहाँ से। तो आप इसको भी एक लाइन दे दें यहाँ पर खींच लें। जब तक कि हम निशान लगा रहे हैं, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह कटिंग की और नई नई ड्रेस की वीडियो मिलती रहे। हार्मोन का निशान, तो हार्मोन के निशान को जिस तरह लगाएं आप, ये हो गया हार्मोन का निशान। तो अब इसको हम आगे का पल्ला कटिंग करने जा रहे हैं। तो अब हम देखिए बैक पल्ला काटने जा रहे हैं। फ्रंट पल्ला तो कट कर हो गया था, अब बैक पल्ला कटेगा। तो बैक पल्ले को आप इस तरह कुछ बिछाएं। सारे निशान सीधे होने चाहिए।
तो बैक आर्मोल के निशान लगा लिया, बैक पल्ले का हमने निशान लगा दिया था आर्मोल का, तो उससे डिफरेंट आपका आधा इंच होगा, क्योंकि इसका गला है 8 इंच का। तो ये है आगे का निशान, ये देखिए आगे के निशान है, ये पीछे के निशान है। आर्मोल इतना ही कटेगा आपका, अगर जो गला आपका 8 इंच का होगा। ये देखिए हमने काटा है इसका निशान, ये पल्ला है आगे का फ्रंट, और ये पल्ला है बैक का। तो इसका इसका डिफरेंट आधा इंच से के बराबर है, आधा इंच के बराबर है। ऐसे कट कर लें, और जहां से आपको फोल्ड करना है वहां पे आप कैंची से इस तरह कट कर दें, ताकि आपको आसानी हो फोल्ड करने में। और एक चीज ध्यान रखें, अगर सनील का वेलवेट का कपड़ा हो तो आप उसमें बकरम का गला बनाए तो ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है और दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरे पल्ले कट चुके हैं, फ्रंट और बैक दोनों। अब हम काटेंगे आस्तीन। तो आस्तीन के लिए कपड़ा साइड से बचा था, उसकी हम आस्तीन काटेंगे। तो हमने इसको इस तरह फोल्ड कर लिया है, और एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से, और जितनी भी लंबाई हो उसके हिसाब से पहले लंबाई के निशान लगा लें, कितनी आपकी आस्तीन की लंबाई है। तो एक निशान पहले आगे लगाएं, फिर उसके बाद 2 इंच के निशान लगाएं, क्योंकि तुरपा वाली आस्तीन है तो 2 इंच में आराम से फोल्ड हो जाएगा। और इस सूट की आस्तीन की लंबाई है 16 इंच, तो हमने 16.5 पर लगाया है निशान। एक निशान इस तरह से लगाएं, और दूसरा निशान आप 3.5 इंच पर लगाएं, और जितने बाइसेप हों तो उस हिसाब से लगा लें निशान। तो 13 इंच बाइसेप है, और आगे की मोड़ी है 10.5, तो हमने 10.5 का निशान लगा लिया है। थोड़ा इस तरह से राउंड दे दें, और इस तरह से आर्मोल का निशान लगा दें, और उसी पे आपको कट करना है। बहुत ही जल्दी आप सीख जाएंगे, कल मेरे चैनल पे बने रहेंगे। इसी तरह से आप मेरी वीडियो को देख देख के लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे आप सिलाई सीख जाएंगे। और उसके बाद में इसको ओपन करके एक साइड से आप इतना इसको आगे का ताल काट दीजिए, जैसे हमने कुर्ते के आगे पल्ले में कट किया था आधा इंच, इसी तरह आपको आस्तीन के पल्ले में आधा इंच कट करना है। और अब ये रेडी हो गया है स्टिचिंग के लिए, तो आप इसी तरह आप घर पर आराम से कट कर कुर्ती सिल सकते हैं। थैंक यू।